को मोटिवेट किया जाए थोड़ा सा, है ना। आप लोगों को डिमोटिवेट हो गया, एग्जाम का पता नहीं कितना टेंशन ले लिया यार, कैसी बात है। मतलब कि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, मैं कल हॉस्पिटल से आया हूं, मेरे को फीवर हो रहा था और मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। फीवर है मुझे अभी भी, मेरी तबियत खराब है, बबीता मैम की तबियत खराब है, फिर भी तुम लोगों के लिए लगे हुए हैं, और तुम्हारा मोटिवेशन पता नहीं कहाँ चला गया। कल की क्लास क्यों नहीं हो पाई, इसी वजह से नहीं हो पाई, बट आज खड़े हैं इंजेक्शन लगा के, चलो यार बच्चों के पेपर है यार। तो तुम लोग पता नहीं कौन से मोटिवेशन में जी रहे हो, इधर आओ। चलो देखो, जल्दी से सुनो, ये वाली हालत कर ली तुम लोगों ने अपनी, ये वाली हालत कर ली तुम लोगों ने अपनी, टेंशन ले लेके। अरे तुम सोचो कि तुम्हारे पास पूरा कंटेंट है फिर टेंशन ले रहे हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका क्या हो रहा होगा, उसका तो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये वाली हालत मत करो अपनी, ये वाली हालत मत करो, पूरा कंटेंट रखा हुआ है उसे पढ़ो, चीजों को सोचो नहीं करो, है ना। मजनू वाली हालत हो गई, बताओ। चलो देखो, इधर आओ। देखो बेटा, सक्सेस तक अगर जो पहुंचना है, सक्सेस तक अगर जो पहुंचना है, तो सबसे पहले आप लोगों को सोचना पड़ेगा, जो कि आपका समय जा चुका, सोचने का समय आपका जा चुका। अब समय आपका आइडिया कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो भी समय आपका जा चुका, वो मैं बहुत बार चीजें बता चुका, अभी तक आपको वो चीजें गोल सेट कर लेना था, आपको कोशिश करनी है, अब आपको ट्राई करना है, आपको मॉडल पेपर सोल्व करने हैं, आपको अब अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आपके अगर जो 4 यूनिट तैयार है, तो 5 यूनिट के चक्कर में मत पढ़ो, छोड़ दो उसे, 4 यूनिट भी पढ़ लोगे पेपर पूरा फंसेगा, मैं बोल रहा हूं ना, 4 यूनिट पढ़ोगे पूरा पेपर फंसेगा। पर अब ज्यादा के चक्कर में जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, तो जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करो, लिखो उसे, लिखने की कोशिश करो। फेलियर आएंगे, इधर फेल होने का, मॉडल पेपर में फेल हो गए चलेगा, उधर नहीं फेल होना है, उधर नहीं फेल होना है, इधर फेल हो गए तो चलेगा, बट वहां पर फेल नहीं होना है, उधर फेल हो गए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फेलियर आएंगे, फिर से ट्राई करो, अगला मॉडल पेपर सोल्व करो, फिर अगला मॉडल पेपर लगाओ, फिर फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, फिर तीसरे नंबर का मॉडल पेपर लगाओ, तीसरे नंबर का मॉडल पेपर लगाओगे, करते रहो, ट्राई करते रहो। मैं बोलता हूं आज रात को बैठो, एक मॉडल पेपर करो, एक मॉडल पेपर करो। मैं बोलता हूं अगर जो उसमें तुम्हारे 37 नंबर आए, फेल हो गए कोई बात नहीं, अगला मॉडल पेपर सोल्व करना, फिर पूरा पढ़ के दोबारा से मैराथन क्लास को अटेंड करो, अगला मॉडल पेपर सोल्व करो, अगला मॉडल पेपर सोल्व करोगे क्या होगा, उसमें बोलता हूं 37 में से तुम्हारे अबकी बार 45 या 50 आने चाहिए, अगले पेपर में 45 या 50 आए, फिर से पढ़ो, फिर मॉडल पेपर सोल्व करो, अगले मॉडल पेपर में 65 क्यों नहीं आएंगे, 100% आएंगे। और अगले मॉडल पेपर में 65 आ गए, आपके यूनिवर्सिटी में 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपके, बट कोशिश तो करो, सोच सोच के, हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा, मर गया मैं तो, लुट गया मैं तो, पेपर आ गए रब्बा रब्बा, इससे करने से क्या हो, क्या हो। एक चीज हमेशा याद रखना, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद खुद करना जानता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और देखते रहने वालों की नैया पार नहीं होती। बात ध्यान रखो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो देखते रहते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो देखो मत करो, कॉपी है, पेन है, मॉडल पेपर है, बैठो और सोल्व करो, किस चक्कर में पड़े हो, ठीक है। और जो ये है ना, ये तो झक मारा करके आएगी, ये तो पास आएगी, बिल्कुल आएगी, ये तो बिल्कुल आएगी भैया। पर ये बोलती है, क्या बोलती है कि भैया तू हार्ड वर्क तो कर,
बिना कुछ करे मैं किसी के पास नहीं जाती, बिना कुछ करे मैं किसी को नहीं मिलती। मेरे मुझे अगर जो तू चाहता है तो तुझे ये सब करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, है ना। तो कीप गोइंग कीप ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। ये भी जनरेटर स्टार्ट करते, देखा जनरेटर किसी को कैसे, जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है, पहले वाले राउंड में स्टार्ट हो जाता है क्या, ऐसे घुमाया बस स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट होता है, प्रेशर बनता है, फर्स्ट राउंड स्लोली, फिर थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज, धा 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 धा, स्टार्ट हो गया, सक्सेस मिली ना। पहली बार के में किसी को सक्सेस नहीं मिलेगी, फर्स्ट टाइम में किसी को सक्सेस नहीं मिलेगी, ना मिली है आज तक किसी को नहीं मिलेगी। तो ट्राई करते रहना है और अभी टाइम है। अगर जो आपका इनऑर्गेनिक का पेपर आरजीबी वालों परसों है तो अभी बेटा टाइम है, अभी आपके पास पेपर में मैं बोलता हूं 36 घंटे हैं और मॉडल पेपर 2 हैं आपके ऐप पर, 3 3 घंटे सोल्व करने पड़ोगे, 6 घंटे, और 6 घंटे आपने वो अलग से पढ़ लिया, 12 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई को दे दो पूरा पेपर हो जाएगा। एकेटीयू वालों तुम्हारे पास तो और भी ज्यादा टाइम है, 3 मॉडल पेपर है, करो सॉल्व, क्यों नहीं कर रहे हो, करो, करोगे तो तुम ही, कौन करेगा भाई, कौन करेगा। फर्स्ट बार में किसी को सक्सेस नहीं मिलती, इसी सक्सेस लेवल को आपको कुछ स्टेप स्किप करके पेपर लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले घर से सोच करके जाना है कि 15 नंबर का क्वेश्चन मेरा 8 पेज से ऊपर नहीं जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन मेरा 5 पेज से ऊपर नहीं जाएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन मेरा 3.5 या 4 पेज से ऊपर का नहीं जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन मेरा आधे से 1 पेज के बीच में रहेगा, चाहे मेरे से कितना भी आता हो। अब ये चीजें आपको घर से सोच करके जानी है, आपको घर से ही सोच करके जाना है कि क्या, कि मैं इतने टाइम में, आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि मैं इतने मिनट में ये सेक्शन सोल्व कर लूंगा, इतने मिनट में ये क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा। एकेटीयू वाले हैं तो मैं 2 नंबर के क्वेश्चन को 45 मिनट दूंगा, 2 नंबर के सेक्शन वाले क्वेश्चन को, उससे ऊपर मैं 1 मिनट नहीं दूंगा, 10 नंबर वाले क्वेश्चन को मैं इतनी मिनट दूंगा, 7 नंबर के जो 5 क्वेश्चन है उन्हें इतनी मिनट दूंगा। ऐसी आरजीपीवी वाले, 15 नंबर का क्वेश्चन है मैं उसको इतनी मिनट दूंगा, चाहे एक क्वेश्चन में 3 पार्ट क्यों ना हो, अगर जो तुमने उस क्वेश्चन के 50 मिनट भी निकाले, मैं बोलता हूँ 50 मिनट रफली बोल रहा हूँ, 50 मिनट अगर जो तुमने निकाले हैं तो वो तीनों पार्ट 50 मिनट में होने चाहिए। और जो तुमने ये बनाया है क्या, अपना आइडिया लगाया कि इतने पेजेस में लिखा होना चाहिए, तो उतने ही पेजेस में लिखना है, ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। और वहां पर ट्राई नहीं चलेगा, फेल ये नहीं चलेगा, फिर से ट्राई कुछ नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में ट्राई कर रहे, ट्राई ना, उधर कुछ नहीं चलेगा, ये सब स्टेप हटा देना, वहां पर बस कीप डूइंग होगा, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और फिर सक्सेस तो आएगी भैया, पर ये सारी चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, चीजें सोचनी तो पड़ेगी, दिमाग को घिसना पड़ेगा। अरे इसको घिसोगे नहीं तो जंग लग जाएगा, जर लग जाएगा। कभी रेलवे स्टेशन पे जाकर के देखा है, लोहे की चीजें पड़ी रहती हैं, जर लग जाता है, खड़ी खड़ी ट्रेनों में जर लग जाता है, ठीक है। तो इसको चलाते रहो, घिसो इसको, ये बोलता है मुझे घिस ले, पर ये क्या बोलता है ना, इसके लिए भी अभी एग्जाम्पल दूंगा, आगे बढ़ो, आगे आओ। देखो आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है बेटा, दूसरों की मदद करना एक अच्छा इंसान भी बनना है। सक्सेसफुल हो जाओ जिंदगी में कोई बात नहीं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है, उनका ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, देखा है आप लोगों ने, देखा है आप लोगों ने कि कुछ लोगों को अगर जो सक्सेस मिल जाए तो उनको क्या होता है, ईगो आ जाता है, दूसरों की मदद नहीं करते। मैं हमेशा बोलता हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हो या किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ो, आप सक्सेस हो रहे हो, बट अपना जो सक्सेस है उसको दूसरों को भी बांटो, अपने जो आइडियाज है उनको दूसरों को भी दो,
है ना। या देखो आप लोगों को मैं अपनी लाइफ की जर्नी हमेशा बता देता हूं कि मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे पढ़ता था, वरना मेरे में एक होता, मैं सोचता था कि मैं सोचूंगा भाई किसी दिन मेरा बड़ा सा इवेंट होगा, मैं तब अपने बच्चों को बताऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ में ये किया, मैं ऐसे पढ़ा, ऐसे जिया, ऐसे तुम्हारे लिए मेहनत करी। अरे हम अभी बताएंगे ना यार, क्या फायदा 4 साल बाद तुम मुंह लटका के बैठो, अरे सर अब बता रहे हो, हम तब बता देते तो हम भी ऐसे कर लेते, अभी से बता रहे हम तो, हम तो अभी से बता रहे हैं। तो ईगो वाली बात बिल्कुल नहीं आनी है। मैं हमेशा बोलता हूं तुमसे जो आता है अपने जो कमजोर बच्चों ने पढ़ाओ, बैठो उन्हें लेकर, वो तो भाग के बैठेंगे भैया, उन्हें तो जरूरत है, उन्हें तो जरूरत है। तो क्या करना है आपको, आपको नॉलेज है, हार्ड वर्क करना है, सीनियरिटी ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, पॉजिटिव वेव साथ में। आप दूसरे की मदद करोगे कभी भी देखना, भगवान आपका आपके लिए अच्छा करेगा, और कभी दूसरे का बुरा करोगे कभी ना कभी भगवान आपका खुद से बुरा कर देगा। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा, ठीक है। ये वाली भावना आपको कभी नहीं लेके आनी, ये वाली भावना आपको कभी नहीं लेके आनी, वरना हमेशा जिंदगी में नीचे की तरफ ही जाओगे, कभी भी सक्सेस नहीं होगे। यार कितने बदतमीज बच्चे हैं, एक बार कॉल काट देते हैं फिर भी नहीं कॉल अटेंड करते, कॉल करते रहते हैं। तो है ना, और हमेशा दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर ही बढ़ोगे। कीप ग्रोइंग और कीप डाउनिंग, डाउनफॉल आने में और अपवर्ड जाने में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, है ना। एक मिनट में रातों रात बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है, पढ़ते तो रहना भी है साथ ही साथ बेटा एक अच्छा इंसान भी बनना है, ठीक है। देखो सक्सेस करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत रहती है, देखो बेटा सबसे पहले आपके पास खुद का एक आइडिया होना चाहिए, कि आपका एक विजन होना चाहिए। सेमेस्टर के स्टार्टिंग में पकड़ लो, मैं बोलता हूं आपको, आपने पकड़ा है कि मैं 75% लेकर के आऊंगा, तो 75% फिर आने चाहिए। अगर जो उससे कम गए तो मतलब तुम खुद के साथ धोखा कर रहे हो। तो एक विजन होना चाहिए हमेशा दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में विजन होना चाहिए, फिर उसके प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग करो कि मैं वहां पर कैसे पहुंच सकता हूं, कैसे कैसे क्या होगा, रफली प्लानिंग। फिर उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ, छोटे छोटे स्टेप लो, छत पे हमेशा ऐसे नहीं जाता, चले गए क्या सीढ़ी चढ़ के डा डा डा, छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ के जाओगे तो रिस्क कम रहेगा। जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत लेना, जो शॉर्टकट लेता है जैसे कभी माउंटेन पे अगर जो आप गए होंगे, पहाड़ों पे मैं बहुत जाता हूं, मुझे माउंटेन में ट्रैवलिंग करना, माउंटेनिंग करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जब भी जाता हूं मैं कभी भी शॉर्टकट नहीं लेता, लॉन्ग रूट है तो मैं लॉन्ग रूट पे जाता हूं। शॉर्टकट में क्या है कि एक बार पैर फिसला तो रिस्क ज्यादा है, लॉन्ग रूट से जाएंगे रिस्क कम है, रिस्क है वहां पर भी बट कम है, शॉर्टकट से जाओगे तो रिस्क ज्यादा है। यस और नो? तो शॉर्टकट नहीं लेना जिंदगी में, थोड़ा बड़ा रूट सिलेक्ट करो बट वो सेफ है, लेट पहुंचेंगे पर दमदार पहुंचेंगे, बैंग ऑन पहुंचेंगे, शॉर्टकट से जाके क्या फायदा, है ना। तो एक स्ट्रेटेजी बनानी है आपको अपनी कि उस गोल तक कैसे पहुंचना है, फिर वो स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज टाइम टेबल बना और कल हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, कि आज पारो का फोन आ गया कि गोलगप्पे खाने आने हैं जी, तो हम चल दिए, ये पारो का फोन आया गोलगप्पे खिलाएंगे, ऐसे नहीं करते, ठीक है। चीजों को एनालाइज करना सीखो, टीम वर्क भी जरूरी है। देखो टीम वर्क, मैं हमेशा बोलूंगा आप लोगों को ग्रुप स्टडी करो, अभी से हैबिट बनाओ अपने अंदर ग्रुप स्टडी करने की, ये सेमेस्टर चलेगा कोई बात नहीं, अभी से हैबिट बनाओ ग्रुप स्टडी करने की, है ना। जैसे आप लोगों के कॉलेज में मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट यहां पर ऐसे होंगे जिनके 2 या 3 बच्चे कॉलेज से, एक कॉलेज से आप लोग अटेंड जुड़े हुए हो बीएससी फार्मेसी के साथ, ठीक है। तो क्या करो ग्रुप स्टडी क्या करो, तो आप जैसे 2-3 बच्चे हो डेली लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या किया करो कि जैसे पकड़ लिया, जैसे मैं बोलता हूं कि आपका सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला ही टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने वो आज की क्लास में पढ़ाया, फिर आप लोगों को क्या करना है उसके ऊपर डिस्कशन करना है। डिस्कशन कैसे, मतलब कि भाई मैं ये सर ने पढ़ाया तो सर ने इसके बारे में ये चीजें बताई थी, तो इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालो, जो क्वेश्चन नहीं बनता वो हमसे पूछो, हम है ना, हम है ना, हम है ना तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी भी जरूरी, क्योंकि वहां पे क्या है क्वेश्चन डेवलप होंगे, आपके क्वेश्चन पूछने की कैपेसिटी बढ़ेगी,
और दूसरी चीज, आपसे अगर जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके आंसर देने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इससे दो बेनिफिट होंगे, एक आपका क्या है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, दूसरी चीज आप क्या है एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, और एक्सप्लेन करने में अगर जो एक्सपर्ट हो गए तो प्रैक्टिकल में हेल्प मिलेगी, कि प्रैक्टिकल में क्या करना है, चीजों को एक्सप्लेन ही तो करना है। अब आपके दिमाग में तो कॉन्सेप्ट है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा, प्रैक्टिकल में डाउन चले गए, बट उसके भी मार्क्स इंपोर्टेंट है, तो ये चीज वहां पर काम आएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको करनी है, इनोवेशन करते रहना है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कि आज मैंने 2 घंटे स्टडी की, कल 2.5 घंटे करके देखो, या फिर 2 घंटे 15 मिनट करके देखो, शायद कर लू। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपनी लाइफ में लेकर के आनी है, अभी से लाने की कोशिश करना हो। देखो ये हमेशा हर एक की जिंदगी में रहता है, मेरी जिंदगी में भी रहा था। मैं 8th क्लास तक ऐसा स्टूडेंट था, आप लोग हंसोगे, मैं 8th क्लास तक सच में ऐसा स्टूडेंट था कि मुझे पता था कि पूरी क्लास के चीटिंग करके भी आउट ऑफ आउट आएंगे, मेरे चीटिंग करके भी कभी भी आउट ऑफ आउट नहीं, पूरी क्लास के। मेरे को आज भी याद है, हिंदी वाले सर थे हमारे, उन्होंने बोल दिया था कि तुम लोग चीटिंग करके लिखो, बट मुझे इस पेपर में अच्छे नंबर चाहिए। सच में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने सरप्राइज टेस्ट लिया था, बोला था कि बुक में से कहीं से भी लिखो बट अच्छे से लिखना। पूरी क्लास के उस टाइम पे 20 में से 20 नंबर आए थे, मेरे 16.5 नंबर थे तब भी। मैं इतना बेकार डंब बुद्धू आदमी था। 9th क्लास में चीजें मेरी चेंज होनी स्टार्ट हुई। 6th, 8th स्टैंडर्ड तक मेरे जो परसेंटेज थे वो 70, 68, 65, 62 ऐसे आते थे। 9th क्लास में एक चीज मेरे को इंपैक्ट करी, उस चीज से मेरे 9th क्लास में 91% आए। 10th क्लास में मेरे, आप लोगों को पता ही है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, तहसील टॉपर बने। 11th क्लास में फिर 95+ आई परसेंटेज। 12th क्लास में 80% आए, फिर से तहसील टॉपर बने, अपने कॉलेज अपने स्कूल में टॉप किया। फिर उसके बाद में मैंने कबड्डी खेला, मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स में जाएंगे, नेशनल खेला, वहां पे मेरा पैर का लिगामेंट टूटा, फिर वो छूट गया। तो उसके बाद में फिर मैंने एनडीए की, मेरे का सपना था कि के एयरफोर्स या एनडीए में जाना है, तो वो भी नहीं हो पाया। एनडीए का मेरा मैथ का पेपर क्वालिफाई हुआ था बिना किसी कोचिंग के, 12th का एक स्टैंडर्ड का बच्चा, बहुत सारे बच्चे भी 12th करते करते भी कर लेते, बट मैंने करने के बाद में बिना किसी कोचिंग के मेरा अप्रैल में पेपर हुआ था, मैंने मैथ का पेपर क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद में मेरा नहीं हो पाया, वहां पे मुखर्जी नगर में मैं कोचिंग के लिए गया हूँ, आप लोगों को पता है मुखर्जी नगर गढ़ है कोचिंग्स का, केडी कैंपस, पैरामाउंट सब वहीं पे है, बड़े बड़े नीतू मैम सबकी कोचिंग वहीं पर है। तो मुझे वहां पे गाइडेंस दी वहां के लोगों ने कि आपको आई साइड वीक है, तो आपको मेडिकल में वैसे ही बाहर निकाल देंगे, तो आप फिर एडमिशन करके बेनिफिट नहीं है। मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में गया कि बचपन का सपना था कबड्डी था वो छूट गया, और फिर एनडीए और एयरफोर्स था वो भी चला गया। उसके बाद फिर बी फार्मा में एडमिशन लिया, मध्य प्रदेश टॉपर बने, टॉप 3 स्टूडेंट में नाम आया, चांसलर अवार्ड मिले, परसेंटेज आप लोगों के सामने है, ओवरऑल डिग्री 89% की है, 87 या 89 की, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर 90, सेकंड सेमेस्टर 89, थर्ड सेमेस्टर 81 थोड़ा सा कुछ हुआ था, फोर्थ सेमेस्टर में हमारे 91, 92, 94 ऐसे परसेंटेज चलते रहे, तो आपके सामने है। एक सेमेस्टर में थोड़ा डाउन गया था, एक दो सेमेस्टर में, तो इस वजह से वो 89 पे रुका रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को भी अपनी एक एम बना लेना है, कि देखो मैं तुम्हारे सामने चलता फिरता एग्जाम्पल हूँ, कि मैं खुद बोल रहा हूँ मैं बहुत डम्ब बच्चा था, और आज तुम्हारे सामने एक डम्ब बच्चा था मैं, जिसके चीटिंग करके भी आउट ऑफ आउट नहीं, जो चीटिंग तक भी नहीं कर सकता था, बोलते ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं कर सकता था मैं, ऐसा था मैं। और आज मैं खुद को देखता हूँ, उस टाइम के मैं फोटोज देखता हूँ अपनी, वो क्या था है ना, मैं इतना पतला सा था कि मेरी जो बॉडी है अभी उसमें से 3 आपके पुनिस्सर निकल जाते, इतना पतला था। मेरे 10th क्लास तक मेरा वेट पता कितना था, 41 kg, मात्र 41 किलो का था मैं। ठीक है, तो आप देखो स्टार्टिंग में हमेशा आपको क्या रहेगा, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा स्टार्टिंग में सेमेस्टर का, आपको ऐसा लगा होगा। बट जैसे जैसे आपने स्टडी स्टार्ट की होगी, अगर जो की होगी तो आपने थोड़ा सोचा होगा यार एक बार ट्राई तो मार के देखते हैं, देखते हैं जो होगा, ट्राई मार के देखते हैं, ट्राई मारो करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, करते करते एकदम खुद बोलोगे अरे यार मैं इससे डर रहा था, ये तो हलवा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हमेशा चीज याद रखना, कोशिश करोगे हर चीज आसान लगेगी भाई। दुनिया में IAS PCS बनते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं,
आईआईटी जेई क्वालिफाई करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम हो वो भी एक इंसान ही क्वालिफाई कर रहा है, भगवान तो नहीं आ रहे, इंसान ही कर रहा है ना, तो हम भी तो इंसान ही है, वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। और एक विजन ऊंचा रखो हमेशा जिंदगी में, छोटी सोच रखोगे जो छोटा बन के रह जाओगे। भाई सीधा देखो, अगर जो तुम्हें पुलिस में जाना है तो सीधा क्या करो, आईएएस पीसीएस वाली पढ़ाई करो। अरे आईएएस पीसीएस नहीं बने, एसएचओ तो बन जाएंगे, वो भी थोड़े ना, थोड़ा कम थोड़े ना है, अच्छा है वो भी। अब सोच रहे हो पहले कॉन्स्टेबल बनेंगे, तो फिर तो होमगार्ड बन के रह जाओ भैया, है ना। अब जैसे फार्मेसी कर रहे हो तो विजन रखो ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बने, अरे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तो आराम से बन जाओगे। भाई ड्रग इंस्पेक्टर ना बने, हम तो गए हमारे हर एक बच्चा ड्रग इंस्पेक्टर बने, ताकि हम फोन करें, हाँ भाई किसका नाम ले, आदित्य भाई कहाँ पोस्टिंग है भाई आजकल, यार ये थोड़ा सा काम था हमारा आज, तो बोला ओके गुरु जी हम कर रहे हैं, और जो आदित्य का, आदित्य हमारा सम्मान करते रहा, है ना। जैसे सहा आलम है जी, मगर आलम साहब कहाँ हो यार, पोस्टिंग वोस्टिंग कहाँ है आपकी आजकल, ये थोड़ा सा काम पड़ गया यार उधर, या हम उधर आए हैं यार घूमने के लिए, तुम्हारे घर पे रुक जाए क्या, थोड़े पैसे वैसे बच जाएंगे हमारे। वो बोले गुरु जी आओ बहुत बढ़िया, तो हम तो चाहेंगे हर एक बच्चा हमारा ड्रग इंस्पेक्टर बने, गवर्नमेंट जॉब में जाए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बने, बट विजन तो बड़ा रखो। अब तुम सोच रहे हो क्या कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन जाए तो कहां से ड्रग इंस्पेक्टर बन जाओगे जी, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का सोच रहे हो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, बड़ा विजन रखो, एम्स फार्मासिस्ट बने, एयरफोर्स फार्मासिस्ट बने, एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बने, रेलवे फार्मासिस्ट बने, इतनी सारी पोस्ट, बड़ा सोचो। वो नहीं होगा उससे छोटा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब सोच रहे हो कॉन्स्टेबल बनने का, क्या भैया होमगार्ड बनोगे का, कॉन्स्टेबल नहीं हो तो होमगार्ड ही बनोगे, ठीक है। तो एक विजन हाई होना चाहिए, और उस विजन हाई ऐसा तो है नहीं आज मैं सोच रही यार कल रात में चांद पे गया था, आज सोचता हूँ आज सूरज पे जाए, सोचना ऐसे, ये तो ये क्या विजन हुआ, मैंने सोचा चांद पे जाना है, अब उस चांद पे कैसे जाना है वो उस पर काम करना है। अरे चांद पे नहीं जा पाया, कम से कम पृथ्वी तो पूरी घूम लेंगे भाई, जितने बजट में कोई इंसान चांद पे जाएगा उससे कम बजट में तो पूरी पृथ्वी को घूम लेगा, तो चांद पे नहीं जा पाया पूरी पृथ्वी तो घूम लेंगे, बात खत्म। वो क्या किसी अचीवमेंट से कम है, चांद पे जाना सपना था पर पृथ्वी तो घूम ली। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है, ठीक है। विच स्टेप हैव यू रीच्ड टुडे, आप इसमें से किस स्टेप पर हो वो आपको देखना है, आपको खुद से समझना है कि आप इन सब में से किस स्टेप पर आज खड़े हो और क्यों खड़े हो उसके बारे में सोचना। अगर जो तुम यहां कहीं पर हो, यहां कहीं पर हो इस तीन तीनों स्टेप में से, या फिर इसमें भी अभी भी कीप ग्रोइंग वाली स्टेप में हो तो आप सही लाइन पे हो, पर अभी भी सोचने की कंडीशन में हो तो बहुत गलत लाइन पे हो। इन चार में से अगर जो आप में किसी में हो, क्योंकि मैं बोलूंगा ये वाली स्टेप तो तब मिलेगा जब हमारी क्या है लाइफ सेटल हो जाएगी, बढ़िया मजे बल्ले 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 डांस करेंगे। अभी क्या है कीप ग्रोइंग वाली कंडीशन है कि बढ़ते रहना है। आज हमने क्या किया, कल और ग्रो करना बेटा, आज क्या हुआ कल और ग्रो करना है, परसों उससे ज्यादा ग्रो करना है ना। तो ये कीप गोइंग वाली कंडीशन है तो देन ठीक है, बट अभी भी सोच विचार वाली कंडीशन है गलत, सोचना नहीं है करना है। बात समझ में आ रही है मेरी, यस और नो? आई कांट, आई हटा दो, कांट में से टी हटा दो, आई कैन बन जाता है, और इम्पॉसिबल में से इम को लात मार दो, धक्का मार दो उसको, जा 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 कबूतर जा जा जा, तो पॉसिबल बन जाता है। ये इस बैरियर को आपको ही हटाना है, इसको और कोई नहीं हटा सकता। जो ये बैरियर है, जैसे इस इंसान ने हटा दिया, ये इसकी जगह अपनी इमेज लगाओ और जो चीजें इम्पॉसिबल लग रही है उनको पॉसिबल करो, पॉसिबल करना, चीजों को पॉसिबल करना, क्योंकि गोल आपका है, आपने सेट किया था, उसको अचीव भी आपको ही करना है और कोई नहीं कराएगा उसको अचीव, कोई नहीं करा सकता, इसको अचीव भी आपको ही करना है बेटा। तो इस इम्पॉसिबल में से इम को हटा दो, पॉसिबल आपको करना है, क्योंकि गोल आपका था, टारगेट आपका था, चूज आपने किया था, तो करके भी आपको ही दिखाना है, और कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा, ठीक है। हॉस्टल में रहते हो, आज तक खाना पता नहीं बनाया होगा नहीं बनाया होगा, अब कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, चाहे मजबूरी हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई को भी मजबूरी समझो, चाहे
पर पढ़ना है, और जब इससे प्यार हो जाएगा ना, इससे लव हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि उस दिन ये समझ लेना कि जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। पर गोल आपका है, ड्रीम आपका है, चूज आपने किया है, तो काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा ना बेटा, और कोई क्यों आएगा उसको करने के लिए? वो और किसी का गोल नहीं है, उससे पैसे कमाओगे उस गोल को अचीव करके तो तुम कमाओगे, अपनी फैमिली को दोगे, और किसको दोगे? तो वो करना आपको पड़ेगा, और इस इम्पॉसिबल में से इम को हटा करके पॉसिबल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहता है आपका। देखो मोटिवेशन, देखो एक छोटा सा एटीट्यूड भी अपने अंदर होना चाहिए, एक आपके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड की भावना होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी ने बुलाया दम से भाग के चले गए, नहीं 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 मैं हूं नहीं, वो भी नहीं करना। पहले चीजों को देखो, क्यों बुलाया है? वो पार्टी करने बुला रहा है, आज के टाइम पे एग्जाम चल रहा है, वो पार्टी करने के लिए बुला रहा है, वो जाना जरूरी है क्या? थोड़ा एटीट्यूड ना बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। अपनी जिंदगी में गोल सेट करो, आइडियाज आपके पास होने चाहिए, दूसरों का सपोर्ट करना सीखो, सपोर्ट करना इन द सेंस स्टडी में उसका सपोर्ट करो, उनको बोलो कि भाई अभी पार्टी मत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा, सब साथ में मिलकर पार्टी करेंगे, अच्छे से पार्टी करेंगे, बट अभी रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम टाइम है, तो क्या ये नहीं करना है ना। तो आप लोगों को परफॉर्मेंस करते रहना, सक्सेस जरूर मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, फेलियर्स आएंगे, डाउन्स हैं। देखो लाइफ है स्टेट, जिस दिन चल गई, देखो जैसे दिल की धड़कन देखिए ना, ऊपर नीचे होती रहती है, होती रहती है, तो वो ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए। जिस दिन वो सीधी हो गई, उस दिन तो लाइफ ही खत्म है यार। लाइफ की जो क्या है, तुम्हारा क्या है, जो ईसीजी देखा है कभी, जो क्या है पिक्चरों में तो देखा होगा जरूर, ऐसे लाइन चलती रहती है ना ऊपर नीचे, तो वो लाइफ है। जब तक वो ऊपर नीचे हो रही है सही है सब कुछ, जैसे ही वो सीधी हुई मतलब सब खत्म, तो सीधी तो कभी करना मत, ऊपर जा रही है नीचे आएगी, कोई बात नहीं फिर ऊपर लेके जाओ, पहले भी तो ऊपर मैं ही लेके गया था, अभी भी तुम्हें लेके जाना, तुम बदले नहीं हो और स्ट्रोंग हो गए हो कि अब उससे और ऊपर छलांग मारनी है, नीचे आए कोई बात नहीं, उस पर काम करना है कि नीचे क्यों आए फिर छलांग मारो, ऐसी तो होती है हार्ट बीट भी, समझ रहे हो? पर वो सीधी जब हुई वैसे काम खत्म, तो वो नहीं करना है जिंदगी में, है ना। ये सारी चीज रहती है। अब एग्जाम के लिए बात करेंगे, एग्जाम में ये बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेटा क्या, टाइम मैनेजमेंट। कि आपको क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? आपको देखो ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हो। मैंने क्या बोला था, एक प्लानिंग से करना है पेपर, आपको थिंक सोचना है कैसे मैं करूंगा। आपके पास में क्या है, पेपर के 5 क्वेश्चन अटैक कर रहे हैं आपके माइंड पर कि मुझे अटेंड कर। बट आपको एक प्लान बना करके करना है चीजों को, ठीक है, आपको देखनी है चीजों को, मैनेज करना है टाइम को, आपको फिर जरूर एक्सीलेंस से आपको क्या है अपना रिजल्ट, अपना गोल इस प्रकार से ही अचीव करोगे। बट टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन द एग्जाम। आप एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, क्योंकि बेटा हर एक क्वेश्चन खुद में एक वैल्यू रखता है, हर एक क्वेश्चन के पास में नंबर है, वो आपको नंबर दे करके ही जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन को लेकर के नहीं बैठ सकते, वो आपको कभी पास नहीं कराएगा, है ना। और दुख तब होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब पेपर पूरा होता है और अटेंड ना कर पाए, दुख तब नहीं होता कि पैसे तो अच्छा कि पेपर आता ही नहीं पढ़ा हुआ, तब दुख होता तो कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ नहीं आया तो छूट गया कोई बात नहीं, बट पढ़ा हुआ है और फिर भी नहीं अटेंड कर पाया तो गलती तुम्हारी है। टाइम मैनेजमेंट हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई भी परीक्षा हो समय का हमेशा ध्यान रखना, और समय क्या बोलता है कि तू मेरी कदर कर मैं तेरी कदर करूंगा, और जिस दिन तूने मेरी कदर नहीं करी तो मैं तुझे बेकदर कर दूंगा, यानी कि तेरी कदर ही करवाना खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो अब बेटा आप लोगों को कैसे करना है, देखो सबसे पहले स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट। सबसे पहले क्वेश्चन वही अटेंड कर रहे हैं जो जिसके लिए आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, सबसे ज्यादा जिसके लिए आप कॉन्फिडेंस हो, जिसके लिए आपका क्या है कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज्यादा है, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेंड करना। अलो टाइम फॉर ऑल क्वेश्चन रिक्वायर्ड, जितने भी क्वेश्चन है सभी के लिए टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को टाइम देकर के बैठे, ठीक है। बी अवेयर ऑफ टाइम लिमिट, हमेशा टाइम लिमिट कितनी है और कितना टाइम जा चुका है, क्वेश्चन अटेंड किया तुरंत टाइम देखो, ओ थोड़ा स्पीड बढ़ाने की जरूरत, ठीक है, अवेयर रहना है टाइम लिमिट के लिए। वॉच योर टाइम एंड यूज इट वाइजली, हमारा क्या है
टाइम देखते रहना है, उसके लिए क्या अवेयर रहना है, इसका इतना टाइम चलेगा, वो इतना टाइम बचा है, चलो चलो जल्दी करो, है ना, ये सारी चीजें। अलाउ टाइम फॉर रिव्यूइंग योर आंसर, एक बार आपको 5 या 10 मिनट ये भी देख लेने कि आपको कॉपी चेकिंग करने के लिए कि हाँ यार मैंने ये लिख दिया कोई बात, जितना चीजें लिखी कुछ उसमें क्या है आउटलाइन रह गई या फिर कोई मार्क रह गया तो वो लगा सकते हो, एक बार कॉपी चेकिंग के लिए भी 5 मिनट आखिर में दे सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों का बेटा इस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हो एग्जाम के अंदर अपना टाइम, ठीक है। जो आपको टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक चीज हमेशा याद रखना, देखो ये लाइन पढ़ो ध्यान से, लेट इट गो, इट्स ओवर, मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जाम टॉपिक एंड रिमेंबर वी आर द वर्स्ट जज ऑफ हाउ वी हैव परफॉर्म। हमेशा याद रखना कि जैसे ही पेपर देकर के आए एक बार एनालाइज करना कोई बात नहीं, बट उसको जज करना कि मेरे इतने नंबर आएंगे मेरा खराब हो गया, आप अगर जो पेपर को अपने जज कर रहे हो तो इस दुनिया में सबसे बेकार जज आप हो। अपने पेपर की आंसर शीट को जज करने वाले आप इस दुनिया के सबसे बेकार जज हो, तो उसके लिए डिमोटिवेट मत हो, अब अगले जो पेपर है उसके लिए पढ़ो। वो तो जैसा होना था हो गया भैया, अब रो लो, आंसू बहा लो, हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, कुछ भी करो, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, जैसा रिजल्ट आना है वही आएगा। तो आप इस दुनिया के सबसे बेकार जज हो अपने ही अगर जो किसी एग्जाम को जज कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगले टॉपिक की तरफ मूव करना है, यानी कि अगले एग्जाम को बारे में पढ़ना है। अगर जो लग रहा है कि इसमें मेरी ये गलती हुई है उसमें नहीं करनी है, ये एक सत्य बात है, ये करना है। बात समझ में आ रही है बेटा जी, समझ में आ रही हो तो यस लिखेंगे एक बार चैट सेशन में, ठीक है। जिंदगी में कोई भी गोल अचीव करना हो पहला स्टेप डिफिकल्ट रहता है, आगे आगे जैसे बढ़ते जाओगे स्टेप छोटे होते जाएंगे और इजी लगते जाएंगे, इजी पीजी, है ना, समझे बात, समझे या नहीं समझे, ठीक है। आगे बढ़ो, ये मैंने को आपको सबसे लास्ट में दिखाना था जो कि मैं दिखा रहा हूं। जिंदगी में प्यार इश्क मोहब्बत करना कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग और दिल का संतुलन बना रहना चाहिए, दिमाग और दिल का संतुलन बना रहना चाहिए, जो ये दिल है और जो दिमाग है संतुलित रहेगा तो सही रहेगा। जिस दिन दिल दिमाग पर हावी हुआ उस दिन नाश है, और जिस दिन दिमाग दिल पर हावी हो गया उस दिन कुछ नहीं होगा, दिमाग से जो चीजें होती है वो सही होती है, बट जिस दिन दिल दिमाग पर हावी हो गया मतलब चीजें बिगड़ेंगी, ध्यान रखना। तो इन चीजों को बैलेंस करके चलो, किसी को ज्यादा मत होने दो किसी को कम मत होने दो, यानी कि दिमाग अगर जो, और ये भी बात बोलूंगा, अगर जो दिमाग ज्यादा भारी हो गया दिल पर तो क्या होगा, स्वार्थी बन जाओगे, तुरंत सामने वाले से क्या है अपना स्वार्थ निकालना शुरू कर दोगे, अपना मतलब निकालना शुरू कर दो, वो भी नहीं करना। दोनों का संतुलन बना करके चलो, दिल का भी और दिमाग का भी, जहां पर दिमाग का इस्तेमाल करना है दिमाग का इस्तेमाल करो, जहां दिल से फैसले लेने हो दिल से लो, दोनों का संतुलन बना करके चलो। गाड़ी प्लेन रास्ते पर और छोटी सी रस्सी जितने रास्ते पर भी आराम से चलो, समझ रहे बेटा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है। और हमेशा ये चीज याद रखना, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दो, हमारे कितनी मेहनत की है उस जगह तक पहुंचने के लिए वो हमें पता है। लोग तो कह देंगे इट इज वेरी इजी, बहुत आसान था, बट उसके पीछे कितने सेक्रीफाइस किए हैं जी, कितना खून पसीना बहा है वो हमें पता है, ठीक है। अरे इजी था तो तू भी कर लेता ना, तूने क्यों नहीं किया, करता तू भी, अरे इजी था तो करता ना, वो तो कहेंगे इजी था। और जो तुम कल सक्सेस हो जाओगे तो बोलोगे शर्मा जी का लड़का काबिल था इस वजह से हो गया, वर्मा जी का नहीं था। और अगर जो कल तुम सक्सेस हुए तो वही लोग बोलेंगे कि हमने तो पहले ही बोला था व्यर्थ है इस बच्चे पे पैसे लगाना, है कुछ नहीं करेगा, नाकारा वारा कहीं का। और वही तुम सक्सेस हो जाओ, उन्हीं लोगों की बातें रहेंगी, हाँ ये तो कर लेता है तो अपना बच्चा है, इसमें तो हमें पूरा भरोसा था, हम तो बोल रहे थे कराइए इसको, ये बातें रहती। तो लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दो, ठीक है, अपना काम है सक्सेस हासिल करना, ठीक है बेटा। और जो ये वाली कंडीशन बना के बैठे हो ना, ये सैड वाली, ये नहीं करनी है, थोड़ा खुश रहो, हैप्पी रहो, चीजों को स्टैंड करना चीज को, कभी दिमाग खराब हो जाए तो गाने सुन लिया करो, गेम खेल लिया करो, थोड़ा बाहर घूम आया करो, वो भी इतना बड़ा एग्जाम नहीं हो रहा है, पर इतना ज्यादा डिप्रेशन में जाना सही नहीं, ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात, ओके। और एक चीज हमेशा याद रखना,
टीचर ओपन द डोर बट यू हैव मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। हम लोग केवल टीचर क्या करेगा बेटा, खाली दरवाजा खोल करके दे सकता है, उस दरवाजे के पार जाने का काम आपका है, उस दरवाजे के पार जाना आपके हाथ में है। तो वही चीज है कि आप लोगों के लिए, हम लोगों ने दरवाजा खोल के रखा है, अब उसके पार जाना है ना, कि आप लोगों को क्या है 90% से ऊपर लेकर के आना है। तो उसके लिए हम लोगों ने दरवाजा खोल दिया है आप लोगों के लिए, दिल से पूरे दरवाजा खोल दिया है। अब उसके अंदर एंटर करना है तो 90% से ऊपर लेके आओ, पर नहीं कर रहा तो वो सब आपके हाथ में। हम लोगों से जितनी मेहनत हुई हम लोगों ने की आप लोगों के लिए, अब वो आपका काम है कि आप उसको, उसका रिजल्ट कैसे लेके आते हो, क्योंकि आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारा भी रिजल्ट है, तो अब वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है बेटा, इसी के साथ में यही था आज आप लोगों को बताने के लिए, यही आप लोगों को बताने के लिए। अब आप बताओ कि इस मोटिवेशन सेशन के बाद कैसा लग रहा है, मोटिवेशन सेशन के बाद कैसा लग रहा है एक बार मुझे आप लोगों का, हर एक बच्चे का, इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, अच्छा फील हो रहा है नहीं फील हो रहा है। जल्दी बताओ, अच्छा लगा। चलो बेटा आदित्य एक काम करना, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, इस लेक्चर को एक बार बैठ के दोबारा से देखना, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, एक बार बैठ के तसल्ली में आराम से सुनना इस लेक्चर को, और देखना कि मैंने क्यों नहीं सुनी सर की बात, या फिर मैं कहां, मेरा कहां ध्यान। ठीक है, हैसल हैसल बैच इक्वेशन के अंदर क्या क्या लिख रहे हैं सारी चीजें बताइए। ठीक है, वही क्वेश्चन था ना आपका, एसएल एसएल बैच इक्वेशन में क्या क्या लिखना है वो बताया, सुनना ध्यान से, देखना इस लेक्चर को दोबारा से पता लग जाए। ठीक है, ओके बेटा। सो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दिल से थैंक यू बेटा, बट आप लोग मेहनत करो और सक्सेसफुल हासिल, सक्सेसफुल इंसान बनो अपनी जिंदगी में, सक्सेस को हासिल करो और अपना नाम रोशन करो, घर वालों का नाम रोशन करो, और फिर रोशन हो जाए तो फिर हमारा भी नाम ले देना कि बबीता मैम, पुनीत सर, अवनीश सर, इन लोगों से पढ़ा था, तो हमारा भी नाम रोशन कर देना। ठीक है, बट पहले आपकी फैमिली और आप। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हो, स्टार्टिंग के आधे घंटे की क्लास देख लेना, ये अभी अपलोड हो जाएगी। मोटिवेशन ये इसी में रहेगा, बट आप लोगों को ये लेक्चर कहाँ पर मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास वाले फोल्डर में ये लेक्चर मिलेगा, जाकर के देख लेना। जिसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने हो वहां से देख सकता है। ठीक है बेटा, कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। ओके, इसी के साथ आज के सेशन को हम अपने ऑफ करते हैं। ये रहो बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप, ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपोर्टेंट है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।